क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स फोर व्हाइट बॉल्स एंड टू ब्लैक बॉल्स। एक बैग दिया हुआ है और इस बैग में फोर व्हाइट कलर की बॉल और टू ब्लैक कलर की बॉल रखी हुई है, ये क्लियर। अनदर कंटेन्स थ्री व्हाइट बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, एक और बैग है। तो इसको अगर हम कहते बैग वन और इसको बैग टू, तो बैग टू में थ्री व्हाइट कलर की बॉल और फाइव ब्लैक कलर की बॉल रखी हुई है, ये क्लियर। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, दोनों ही बैग से एक एक बॉल निकालनी है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो इन सब के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चार इवेंट बनाया जा सकता है, तो लेट डब्लू वन डब्लू टू बी वन एंड बी टू बी द फोर इवेंट। डब्लू वन मीन्स ड्रॉन अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग वन, बैग वन से जो बॉल निकल रही है वो व्हाइट कलर का हो तो इसको हमने मान लिया डब्लू वन इवेंट। डब्लू टू ड्रॉन अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग टू, बी वन ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग वन और बी टू ड्रॉन अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग टू, ये क्लियर। तो यहाँ से पी डब्ल्यू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू वन मीन्स फर्स्ट बैग से व्हाइट कलर की बॉल निकले तो फर्स्ट बैग ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट है फोर टोटल है सिक्स, तो फोर अपॉन सिक्स यानी कि टू अपॉन थ्री। पी डब्ल्यू टू, सेकेंड बैग से व्हाइट कलर की बॉल निकले तो व्हाइट है थ्री टोटल है एट, तो थ्री अपॉन एट। पी बी वन, फर्स्ट बैग से ब्लैक कलर की बॉल निकले तो ब्लैक है टू टोटल है सिक्स, तो टू अपॉन सिक्स वन अपॉन थ्री। और पी बी टू, सेकेंड बैग से ब्लैक कलर की बॉल निकले तो ब्लैक है फाइव टोटल है एट, तो फाइव अपॉन एट, ये क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर व्हाइट, दोनों ही बॉल व्हाइट कलर की हो, तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से जो बॉल निकाले वो व्हाइट कलर का हो एंड सेकेंड बैग से भी जो बॉल निकला वो भी व्हाइट कलर का हो, तभी दोनों बॉल व्हाइट होंगे। तो ये बन जाए पी डब्ल्यू वन इंटू पी डब्ल्यू टू, पी डब्ल्यू वन टू अपॉन थ्री, पी डब्ल्यू टू थ्री अपॉन एट, थ्री थ्री कैंसिल, ये फोर टाइम्स में कैंसिल, वन अपॉन फोर, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब बोथ आर ब्लैक, तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से जो बॉल निकला वो ब्लैक कलर का हो, सेकेंड बैग से जो बॉल निकला वो भी ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो पी बी वन इंटू पी बी टू, पी बी वन वन अपॉन थ्री, पी बी टू फाइव अपॉन एट, तो ये बन गया फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर, ये क्लियर। वन इज व्हाइट एंड वन इज ब्लैक, एक व्हाइट हो दूसरा ब्लैक हो, ठीक है। फर्स्ट व्हाइट सेकेंड ब्लैक नहीं कह रहे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, जो फर्स्ट बैग से आपने बॉल निकाला अगर वो व्हाइट है तो सेकेंड बैग से ब्लैक निकलना चाहिए, या फर्स्ट बैग से जो बॉल आपने निकाला वो अगर ब्लैक है तो सेकेंड बैग से जो बॉल निकाल रहे हैं वो व्हाइट होना चाहिए। तो इन दोनों ही केस में एक व्हाइट और एक ब्लैक मिल रहा है, तो ये बन जाएगा पी डब्ल्यू वन इंटू पी बी टू, पी बी वन इंटू पी डब्ल्यू टू, पी डब्ल्यू वन टू अपॉन थ्री, पी बी टू फाइव अपॉन एट, पी बी वन वन अपॉन थ्री, पी डब्ल्यू टू थ्री अपॉन एट। नाउ ये फोर टाइम्स में कैंसिल, ये थ्री और ये थ्री कैंसिल, फाइव अपॉन ट्वेल्व प्लस वन अपॉन एट, ट्वेल्व और एट कैल्सियम ट्वेंटी फोर, टू फाइव जा टेन और यहाँ पे थ्री वन जा थ्री, तो ये आ गया थर्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी।